जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जेएससी की तरफ से बहुत बड़ा न्यूज आया है। वो न्यूज क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 28 जुलाई 2024 को वो झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होना था, जो कि दोस्तों जेएससी द्वारा इसको रद्द कर दिया गया है। और ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों को जेएससी द्वारा इसका डेट देखने को मिलेगा। नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को भली भांति पता होगा झारखंड सचिवालय यानी कि जेएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन कब से हो रहा है। 2016 से हो रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। अभी आज आप लोग को जाके झारखंड सहायक आचार्य की एग्जामिनेशन होना था, लेकिन पता चल रहा है कल रात में ही उसका रद्द कर दिया जाता है किसी कारणवश से। तो झारखंड की क्या स्थिति रह जा गया है? झारखंड की शिक्षा प्रणाली कैसा रह गया है? शिक्षा प्रणाली में किसी प्रकार का सुधार अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड सचिवालय यानी कि जैसे सीजीएल की एग्जामिनेशन आप लोग का अगस्त के 3rd सप्ताह यानी कि और 3rd वीक में होना है, तो वो 100% होगा। आप लोग तैयारी में लगी है, ठीक है। और झारखंड महिला सुपरवाइजर की बात करते हैं, झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन ये आप लोग का 14 अगस्त से पहले और 28 अगस्त के बाद, इसके बीच में कभी भी आप लोग को नोटिस जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगा। और ठीक देखिए, है, आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्यों क्योंकि कभी भी डेट आ सकता है झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए। और जैसे सीजीएल के लिए, जैसा कि आप सभी को टेंटेटिव डेट तो दे ही दिया गया है, ठीक है। आप लोग का इस मंथ के लास्ट में जैसे सीजीएल का भी देखने को मिलेगा अपडेट जैसे द्वारा, और आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए भी आप लोग को देखने को मिलेगा, है ना। और झारखंड जेटेट की बात करते हैं, जेटेट परीक्षा आप लोग कब होगा? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 23 जुलाई 2024 से फॉर्म को भराया जाना है, तो ये आप लोग का एग्जामिनेशन सितंबर में होगा, ठीक है। और जेटेट का एग्जामिनेशन कब होगा? तो सितंबर में होगा, ठीक है। तो जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सरकार ने इस साल 2024 को एक प्रकार के कह सकते हैं कि नियुक्ति वर्ष घोषित करेगी। सरकार तो 2021 में ही नियुक्ति वर्ष घोषित की थी, लेकिन अभी चुनाव वर्ष से तो नियुक्ति वर्ष उनका मजबूरी है करना। इस बार अगर आप लोग जॉब नहीं ले पाते हैं, तो आप लोग क्या होगा कि फिर 4 साल वेट कीजिए, तब जाके जब चुनाव वर्ष आएगा उस समय आप लोग का विज्ञापन आएगा, तब बहाली होगा। तो डिसाइड आपको करना है, 1 से 1.5 महीना आप लोगों को तैयारी करना है, अच्छे तरीके से संघर्ष करना है, कि फिर से 4 महीना और सॉरी 4 साल संघर्ष करना है, ये डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तो आप अपने अंदर आत्मा से पूछिए, ठीक है। हम तो यही करेंगे कहेंगे कि तैयारी में आप लोग लग जाइए, ठीक है, क्योंकि समय का सही उपयोग करने में ही भला है, ठीक है। एग्जाम आ रहा है या नहीं आ रहा, आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। कभी ना कभी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो कभी ना कभी यूज हो ही जाता है, ठीक है। तो जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, ठीक है, आप लोग तैयारी में लग जाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके, सभी को इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिल सके, ठीक है। और अभी तक आप लोग जो एकदम सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक ले टाटा बाय बाय जोहार।